देखिए हमारे देश के किसान, आज हम बताने जा रहे हैं आपको ईख के फसल के बारे में। ये गेहूँ का ईख है और ये कम से कम 100 110 क्विंटल बीघा आपके खेत में निकल जाएगा। इसमें देखो चार जून लगे हुए हैं, चार बार बंधाई हुई है इसकी, 1 2 3, 1 2 3 के चार, 1 2 3 चार, चार बार इस खेत की बंधाई हुई है। ये गेहूँ कटने के बाद में ईख बोया था, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि आप अपना ईख ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या चीज़ लगाई जाए जो ये ऐसा ईख तैयार हो। देख लो आप ईख कितना ज़बरदस्त खेत खड़ा है। आपको इसमें बुआई के वक्त अच्छी जुताई की ज़रूरत है, कम से कम चार बार हैरो, चार पांच बार, छह बार टिलर किया है मैंने इस खेत में। उसके बाद बोने के वक्त जितना छोटा आप पेंडा काटोगे, कच्ची काटोगे, उतनी अच्छी रहेगी। और बिन पलेवा का खेत बोया है, सूखे में खेत बोया है, सूखे में बुआई की है इस खेत की मैंने। और क्या लगाया है, ये मेरा 8 बीघा खेत है, इसमें 8 बीघे में बोते टाइम 3 डाई कट्टे हैं, 2 यूरिया के हैं, 1 पोटास का है, कैल्शियम है। ये चीज़ लगाई है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लगाया। और फिर जब ये इसको पानी दिया है, ये जम के निकल आई है, तो क्या किया है, सबसे पहले इसमें लगाइए आप कोरोजन। कोरोजन की स्प्रे करिए, ये 90 दिन तक आपके खेत में कीड़े को नहीं आने देगी। आपकी फसल पर सिर्फ एक खुदाई इस खेत की है, खुदाई मतलब नलाई, एक नलाई मान लो या खुदाई मान लो, सिर्फ एक है। और ये तुरंत इतना बड़ा होते चला आता है बीज, 38 बीज है इसका, कोई ठोर ठिकाना नहीं है, 38 बीज है। तो एक खुदाई की है और उसके बाद में मैंने कोई खुदाई नहीं की, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बार कबाड़, थोड़ा सा कबाड़ फुटवाया, नफरी लगाकर। ये कोरोजन लगाइए, उसके बाद में जिंक लगाया है मैंने, इसमें जिंक की स्प्रे की है, जिंक आता है, जिंक की स्प्रे की है इसमें मैंने। फिर यूरिया लगाया 8 बीघे में 2 कट्टे, फिर एक बार यूरिया लगाया 8 बीघे में 2 कट्टे, फिर एक बार यूरिया लगा, 3 बार यूरिया लगाया है सिर्फ, ज़्यादा यूरिया नहीं लगाया। और आप देख रहे हैं ईख को, ये देखो 8 बीघे खेत है, तो आप इस तरीके से बुआई कीजिए, 100 क्विंटल बीघे का गेहूँ का ईख आपको ज़रूर निकलेगा। अगर हमारा चैनल एचएल न्यूज आपको पसंद आया है तो आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेंगी खेती के बारे में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।